जय माता रानी की। दोस्तों जुगराज रैया आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गोवटी आप सबोते मेरू सादर प्रणाम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी में। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ मैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो आज फिर से 16 फरवरी को आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ एक नए जोश नई उमंग के साथ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9:30 और अभी तक मैंने अपने बच्चे बच्चे तैयार किए और नाश्ता बनाया, उनको स्कूल भेजा। तो अब मैं गौशाले में आ चुकी हूँ और गौशाले में मुझे निकालनी है गाय बार गोबर निकाला है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ और देखते रहिए मेरी वीडियो और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो अभी मैं गोबर निकाल रही हूँ, देख सकते हो आप लोग। हेलो दोस्तों, तो अभी मैंने गोबर निकाल दिया है और ये लास्ट करनी बच रखी है, ये देख सकते हो आप लोग। इसको भी बाहर ले जाती हूँ, हाँ देख सकते हो गोबर निकाल के हाथ तो वो नहीं है ऐसे। तो 4-5 करनी निकाल दिए, ये लास्ट करनी बच रखी है। तो अभी मैंने नहाना है, उसके बाद मैंने बाजार से ले जाना है। तो ठीक है दोस्तों, फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ बाजार के लिए। बाय। हेलो दोस्तों, तो मैं भी घर का सारा काम निपटा के आ गई हूँ रास्ते पे और मैं भी जा रही हूँ बाजार। तो ये देखिए पीछे का व्यू, ये है कितना सुंदर व्यू, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों मैं आशा करती हूँ यार आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और अभी मेरी आवाज़ उतनी ज़्यादा आ नहीं रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आए, लेकिन आवाज़ ज़्यादा नहीं आ पा रही है। तो कोशिश करूँगी और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो आपको भी पता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को फिर से दुकान पर। अभी निकलती हूँ मैं, तो बाय, बने रहिए आप लोग तब तक मेरे साथ। ये है रास्ता हमारे गाँव का, तो अभी मैं यहाँ से सीधे ऊपर बाजार जाऊँगी। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया था मैं दुकान जा रही हूँ, तो मैं दुकान पे आ चुकी हूँ। दुकान पे आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी मैं यहाँ नीचे कमरे में आ रही हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो दिन का खाना जैसे मैंने बताया भी था पहले ब्लॉग में, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, तो दिन का खाना हमारा यही बनता है मार्केट में, और सुबह का नाश्ता और रात का खाना हमारा घर पर बनता है। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाओ घर की दाल खाने, घर की दाल बना रही हूँ मैं। ये देखिए छेमी और सोयाबीन छमरोदा और भट्टो साग ही मेरा सब वही कितना टेस्टी होता है ना दोस्तों। तो बना रही हूँ मैं,
और ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी बना लेती हूँ फटाफट से खाना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैं कल बता रही थी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो ख़राब तो है यार, थोड़ा बुखार वखार आ रहा है, अभी तो थोड़ा ठीक लग रही है, थोड़ा यहाँ पे गाड़ी रोक देती हूँ। जा रहा ये है रुद्रप्रयाग की रोड, और इधर को ये जा रही है घिमतौली की रोड। यहाँ पे मेरी कार खड़ी हुई है, तो मैं यहाँ आई थी थोड़ा सा, यहाँ मतलब यहाँ आके इतना सुकून मिलता है दोस्तों, यहाँ जंगल की छाँव के बीच दुनिया भर के पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ, तो इतना आनंद आता है यहाँ पे, मन करता है कि यहीं पे बैठे रहें, यहीं पे रहें बैठे हुए। तो हाँ, तो ये बिपिन है मेरे साथ। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे इसका मतलब इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो करना यार प्लीज़, बिपिन क्रिएशन, तो प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप सभी लोगों को फिर से मेरा सादर प्रणाम। सब लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जय माता रानी की। मेरा ब्लॉग पूरा देखे। जय माता रानी।